तो कैसे हो सब? बढ़िया, मजे में। तो आज क्या है ना भाई, तुम्हारा करने वाला एक बहुत ही प्यारा सा चैलेंज, आज नहीं कल करूंगा, मजाक कर रहा भाई, आज ही करना, इसे तो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। तो भाई क्या है ना, आज मैं अपनी पूरी बाइक क्लीन करने वाला हूँ, क्योंकि बारिश में आपको पता ही है कि पिछले ब्लॉग में गया था गंदी हो गई थी, और उससे पहले भी गंदी ही थी, तो उसको ना हम प्रॉपर क्लीन करने वाले हैं। बट हमें एक काम करना है, अपने बाइक के लिए चेन ल्यूब चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा चेन ल्यूब की प्रॉब्लम आ रही है, चेन ल्यूब खत्म हो चुका है और चेन में क्या जंग बहुत ज्यादा लग गया है, मुरचा जिसको बोलते हैं वो लग चुका है। मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर दिया था, बट वो आया कहाँ पे है, रीवा, यहाँ से भाई 40 किलोमीटर दूर सच में। तो चलो ठीक है, चलते हैं। मैंने ऑर्डर कर दिया था, वो पार्सल आ चुका है, एक्चुअली मेरे दोस्त का फोन आया था तो लेके आते हैं उसको। तो गाइस अच्छा खासा मैं जा रहा था चेन ल्यूब लेने के लिए यहाँ से रीवा, पीछे बारिश हो रही थी, पूरा भीग गया, और अभी देखो इधर बारिश ही नहीं हुई है, सूखा हुआ है पूरा, ये तो हाल है। बट कोई बात नहीं, अपन रुकने वालों में से थोड़ी ना है, ऐसे ही चलेंगे भीगे हुए। हाँ हाँ, गांव से आया हूँ। 2000 years later. तो गाइस अभी ये रहा अपना चेन ल्यूब, तभी इसको ओपन करते हैं, दिखाते हैं कि इसमें क्या है अभी। और ये भाई सच बताऊं, बारिश के टाइम में ना बाइक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ना आपकी चेन ना सेफ नहीं रहेगी, और चेन को सेफ रखना है, क्लीन रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको ना भाई कोई दूसरा ब्रांड मंगाया है, लास्ट टाइम मैंने यूज किया था कैस्ट्रोल का कोई आ रहा था उसको यूज किया था, बट इस बार मैं दूसरा मंगा के हूँ। इसमें ना प्लस पॉइंट ये है ना कि आपको एक ये चेन ब्रश मिल जाता है, बहुत काम का है, मतलब चेन क्लीन करने के लिए इजी पड़ जाता है ये, बढ़िया है, मतलब मुझे यही मेन चाहिए था। और उसके बाद फिर आता है एक ये चेन लुब्रिकेंट, ये मैंने मंगाया भाई 500 ml का, जो है ब्लैकबर्ड ब्रांड का है, और रिव्यू काफी अच्छे थे, तो मैंने इसको सोचा ट्राई करता हूँ कैसा दिखते हैं। उसके बाद आता है ये भाई चेन क्लीनर, इसका भी रिव्यू काफी अच्छा था, तो दोनों मेरे को पड़ गए हैं समथिंग 500 rupees के समथिंग पड़े हैं। तो अभी इसको यूज करके देखता हूँ, और आज मेरे को प्रॉपर बाइक भी वॉश करनी है, तो मैं ऐसे आराम से जमीन में बैठ गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज भाई, अभी हम यूज करने वाले हैं ये चेन स्प्रे क्लीनर, और इसका फीडबैक देखते हैं कैसा है। ओ प्रेशर तो काफी अच्छा है, और इसका बेस्ट यूज यही है भाई, ये देखो मस्त स्प्रे है इसका, तगड़ा फ्लो भी अच्छा है, और अभी हम ब्रश यूज करेंगे, क्या ये प्रॉपर क्लीन करेगा कि नहीं करेगा। इसमें नोटिस कर पा रहे होगे ना, ये जंग लग चुका है, ये देखो पूरी तरह से ये, और इसको भी देखो ये यहाँ पे, तो ऐसे ना बहुत तगड़ा जंग लग चुका है, तो हमें यही पूरा क्लीन करना है, क्योंकि बारिश का टाइम आ चुका है, और बारिश के टाइम में ना गाड़ी को ना सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। और इससे जंग भी छूट रहा है, दिखाऊं जैसे आप यहाँ पे जंग देख रहे हो ना, एंड ये देखो पूरा क्लीन हो गया जंग। इसको भाई और घुमाते हैं, और बाकी पार्ट को भी अपन क्लीन करते हैं जो बचा हुआ है। मेरे हाथ देखो कैसे गंदे हो गए, और अब बारी है गाड़ी को प्रॉपर क्लीन करने की। प्रेशर कम हो गया गाइस, बहुत दिन से धुली नहीं है, बारिश में सोचा गंदी करता हूँ एक दिन, तो मैंने गंदी करके लाई भी इसको, और इतनी गंदी हो गई ना कि साफ करने लायक नहीं बची अभी, ये बहुत मेहनत लगने वाली है मुझे, बट ये है एक बार क्लीन हो जाएगी ना तो अच्छा रहेगा। और ये देखो चेन को भी क्लीन करना है प्रॉपर, जितना भी गंदा ऑयल ऑयल लगे ना वो छूट जाएगा जो चेन क्लीनर डालने पे लगा, लेकिन चेन क्लीन हो गई काफ़ी अच्छी, एंड अभी ल्यूब कर देंगे तो परफेक्ट हो जाएगी। चलो भाई करते हैं पूरी अपनी गाड़ी को क्लीन, आज देखना तुम्हारा भाई अपनी लियो कैसा चमकाने वाला है। यहाँ हर जगह गंदी होगी, तो पहले मेन मेन जगह पे लगा देते हैं। ओह माय गॉड मेरी गाड़ी, बेचारी बोल रही होगी मालिक कितने दिनों से आपने नहीं धुला, इतनी गंदी मुझे कैसे रख सकते हो। लो जी भाई गाड़ी हो चुकी है पूरी तरह से क्लीन, देख लो एक एक पार्ट प्रॉपर क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा आगे बच गया है वो क्लीन करना बाकी रह गया है, भाई पानी कम हो गया था ना तो इसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर वॉश प्रॉपर हो नहीं पाया, बट आगे बहुत अच्छी क्लीन हो गई है। और इसको क्लीन करते करते मैं खुद गीला हो चुका हूँ और गंदा हो गया हूँ, तो चलो पहले एक काम करता हूँ, मैं भी नहा लेता हूँ,
फिर तब तक मैं इसकी चेन भी क्लीन हो जाएगी, फिर चेन लूप बस बाकी रह जाएगा, है ना। 75 years later अभी गाड़ी सूख गई और वापस से गीली हुई गई, बारिश होने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चेन लूप कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ना गाड़ी खड़ी होने के लिए जगह नहीं है, और ऐसा है ना कि गाड़ी गंदी हो ही जाएगी और वापस से गीली हो जाएगी। चलो जल्दी से चेन लूप करके फिर खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि देखो ना मैं धुल के खड़ी किया हूँ, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, दूर से पास से दिखाऊंगा, बट यहाँ पे जंग लग गया वापस से, तो इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ, मतलब लुब्रिकेंट लगा देता हूँ, और फिर इसको आराम से खड़ी करेंगे। ये देखना भाई, हाँ मैं यहाँ पे भी स्प्रे करूंगा, और क्लोज से देखना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये एकदम फालतू सा लग रहा है एकदम से। क्लीनर तो फिर भी ठीक था, पता नहीं क्या है, बट जिससे पहले कैस्ट्रोल का था और मैंने एक और यूज़ किया था मोट्यूल का शायद से, तो उनका ना जो ये लुब्रिकेंट होता है ना वो थोड़ा थीक होता है, तो स्मूथनेस बहुत अच्छी मिलती है, बट ये थोड़ा ड्राइस टाइप का यार, पता नहीं बड़ा अजीब सा है ये, मतलब मेरे को उतना फील नहीं आ रहा लगाने पे इसको कि परफेक्ट है ये। और इसके इसमें स्प्रे देखो कितना है गैस, ये देखो भाई, ये जो ब्लैक बर्ड का है ना चेन ल्यूब, मैं प्रेफर नहीं करूँगा, बहुत बकवास सा है। इसमें आप देखो ना, ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये देखो बड़ा थिक थिक सा है, ये देखो बड़ा थिक थिक सा है, ये चिपचिपा सा है, ये देखो कोटिंग तो अच्छी हो जाएगी बट मुझे उतना खास नहीं लगा। तो चलो भाई आज इसको वापस से लगा देता हूँ, क्योंकि भाई मैं गाड़ी साफ़ कर करके थक गया, और लिटरली बताऊँ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो इसको अपन खोलते हैं सारे बोल्ट। मैंने अच्छा काम ये किया था ना कि जितने भी बोल्ट्स थे ना, मैं ओपन करने के बाद सारे के सारे बोल्ट्स इसी में लगा दिया था, तो मेरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा, और इसमें ईजी था, सेफ भी रहते, क्योंकि घर पर कहीं पर रख दूँगा और बाई मिस्टेक नहीं मिले तो। जब भीग जा तो मार दिया, साफ हुई ना, मारी से आज पहुंचे चेन है, चेन साफ हुई है ना, पहले वो क्लीनर से पूरा ऑयल ऑयल छूटा है, फिर उसके बाद ल्यूब पूरा टाइट हो गया अच्छे से, अब ठीक है, कम से कम यहाँ तक छिट्टे नहीं आएंगे, सही है। ये वाली टेल टाइडी मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट यही मेन है कि जो ये छिट्टे यहाँ तक मारती है वो नहीं मारेगी अब। चलो यार बारिश होने लगी है, पहले सब कुछ हटा देता हूँ और बाइक खड़ी कर देता हूँ छाँव में। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाइक यहाँ पे भैया अभी के लिए खड़ी है, ज़्यादा अच्छी है, सेफ है, बट काम करते करते बारिश हो गई थी और उसको सेट करते करते मैं ही भीग गया। देखो भाई मेरे को पता नहीं मैंने इसको लेके डिसीजन सही किया गलत किया, कुछ भी आइडिया नहीं है, बट इतना पता है फर्स्ट ड्रीम बाइक थी और बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, मुझे बहुत पसंद है भाई ये लगने के बाद। चलो ठीक है अब गंदी नहीं होगी ऊपर साइड, वरना क्या छिट्टे मारती थी ऊपर तक। ठीक है बाय बाय।